कर केचुआ से बनाया जाता है, गाय के गोबर से, उसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक खाद की खराबी क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको 15 से 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे भारत में सिक्किम पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, वहाँ पे ऑर्गेनिक खाद का होता है। मिजोरम दूसरा हो गया, पूरी तरह से जैविक शहर अगरतला हो गया। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इस खाद के प्रयोग से काफी फायदे होते हैं, लेकिन इसका फायदा तुरंत नहीं दिखता है। और ये इन सारे खादों का फायदा तुरंत दिखता है। तो श्रीलंका का मंत्री पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने आयात पर बैन लगा दिया, आयात नहीं हुआ तो वहाँ हैवी डिमांड हो गई ऑर्गेनिक खादों की। अब ऑर्गेनिक खाद से तुरंत फायदा होता नहीं है, दूसरा इनके पास ऑर्गेनिक खाद था नहीं और डिमांड भयानक हो गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अभी तो खेती चौपट हो गया, तो इन्होंने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लाया। अब बताइए चाइना से मंगा रहा है, खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में, और पेड़ में खा जाते थे। मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, तो चाइना का खाद डाला जाता तो पेड़ में खा जाता था। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्चा आया। बाहर श्रीलंका, बाहर चाइना, वाह यार, इससे बड़ा दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमीना समझते थे, ये उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से। फादर ऑफ कोरोना, इस खाद वाला जो संकट है इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था, उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहां से, जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया, पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया। अब पेट्रोलियम ज्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब, वहां पर पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीजें चलते हैं इस पर, कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया, श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल $7 बिलियन कर्जा चुका है और इसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। चाइना का हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए चाइना, यहाँ पर चाइना से जाए हम बनटोटा बंदरगाह बनाए ससुरा नहीं रहेगा, ठीक है नहीं बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेकर। अब आप सोचिए ना किसी का कम पैसा है, लोन ले लेकर महल बनाएंगे, चौपट ना करेगा ससुरा यहाँ पर 7 बिलियन।